क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल के सबसे बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपको बता दो, आईपीएल 2020 में ऐसी कई सारी टीमें हैं जो आईपीएल 2020 के लिए अपने कप्तान बदलना चाहेंगी। दोस्तों, आपको बता दो, इस लिस्ट में नंबर एक पर आती है कोलकाता नाइट राइडर्स। दोस्तों, अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स के पुराने कप्तान की तो दिनेश कार्तिक हैं। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स में आंद्रे रसल जैसा धाकड़ बल्लेबाज है। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स दिनेश कार्तिक को हटाकर आंद्रे रसल को बना सकती है कप्तान। नंबर दो पर आती है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। दोस्तों, आपको बता दो, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है, लेकिन खराब फॉर्म के चलते चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान अब सुरेश रैना भी बन सकते हैं। नंबर तीन पर आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम। दोस्तों, आपको बता दो, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली है। ऐसे में आईपीएल 2020 के लिए बेंगलुरु की टीम भी एबी डी विलियर्स को नया कप्तान बना सकती है। नंबर चार पर आती है दिल्ली कैपिटल्स। दोस्तों, आपको बता दो, दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान पिछले साल श्रेयस अय्यर थे, लेकिन इस साल दिल्ली कैपिटल्स अपने कप्तान को बदलकर ऋषभ पंत को रख सकती है, क्योंकि पिछले साल भी दिल्ली का आईपीएल 2019 जीतने का सपना अधूरा रह गया था। दोस्तों, आपको बता दो, इस साल ऐसी कई सारी टीमें हैं जो कई नए खिलाड़ियों को भी अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगी। ऐसे में देखना ये होगा कि कौन से बड़े दिग्गज का नाम अपने टीमों में शामिल होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इन टीमों को नया कप्तान लेना चाहिए या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो नहीं हो तो एक दिल से लाइक करें और ऐसी ही